फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई, लेकिन जो गिरावट की वजह है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड, यस बैंक को लेकर दो पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, जिनका इफेक्ट आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक पर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यस बैंक के लिए। वो क्या है खुशखबरी, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आज बहुत ही बड़ा ज़्यादा भयंकर वॉल्यूम में कामकाज हुआ। वॉल्यूम के मामले में आज स्टॉक फिर से 3 नंबर पर आ गया, तो इसके पीछे वजह क्या बनी। साथ में जो इसने अभी क्लोजिंग दी है, क्या यहाँ से अब गिरावट की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार में जो एक तरफा लगातार गिरावट हो रही है, क्या वो थमने वाली है, आगे पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर ये गिरावट का दौर जारी रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, आज पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा भयंकर गिरावट हुई, और इसके पीछे वजह है हमारे जो घरेलू रीज़न है भी है और साथ में हमारे ग्लोबल रीज़न भी है, उसकी वजह से बाजार में एक तरफा गिरावट हो रही है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोला था कि मार्च का महीना है, ये गिरावट का दौर जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात, कोरोना ने फिर से जो दूसरी लहर आई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसके पेशेंट बढ़ रहे हैं लगातार। आज फिर से हमारे जो पेशेंट है वो 50,000 के ऊपर हो गए, यानी बहुत बड़ा एक डर हो गया, 50,000 के ऊपर एक दिन में पेशेंट आना, और इसकी वजह से एक बड़ा डर का माहौल बन गया। और जो ग्लोबल संकेत है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक है, और इसी का नतीजा है कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई और सेंसेक्स करीब 740 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, और इसी वजह से एक डर का माहौल है। लेकिन जो आज जो न्यूज़ निकल कर आई है वो थोड़ी पॉजिटिव है, और उस न्यूज़ की वजह से आगे इफेक्ट पड़ सकता है। RBI गवर्नर की तरफ से भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा आज के वॉल्यूम और इसके कारोबार को आज डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 14.65 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 14.70 की, और वहाँ से फिर लगातार गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि बाजार में भी बड़ी गिरावट थी, तो ये लो में चला गया 14.10 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 14.20 पर, करीब 3.07% डाउन पर क्लोजिंग है। और वॉल्यूम के मामले में आज ये 3 नंबर पे था, काफ़ी दिन के बाद बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। अगर BSE की बात करें तो 89,91,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 37,58,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.80%। NSE की अगर बात करें फ्रेंड, तो 9,26,44,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 4,40,60,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.56%। तो भारी मात्रा में कामकाज हुआ, डिलीवरी बेस्ड काम ज़्यादा हो रहा है और खरीदारी हो रही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ से खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन डर बैठ गया है रिटेल इन्वेस्टर के मन में। जो छोटे इन्वेस्टर है वो बिल्कुल डर गए हैं, पैनिक कर गए हैं, और वो लगातार अपना लॉस बुक कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। अगर इसके लिए अगर आपको जानना है, आज बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी बड़ी जो भी खरीदारी हुई है, आज जो भी बड़ी डील हुई है, वो सिर्फ खरीदारी की बिकवाली बहुत ही कम है, ज़्यादा बड़ी बड़ी मात्राओं में खरीदारी की गई है, और जो माल बेचा जा रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथों से। रिटेल इन्वेस्टर अपना माल खाली कर रहे हैं, और अब बड़े जो फंड हाउस है वो खरीदारी कर रहे हैं इस लेवल से। ज़रा एक बार हम आज के कारोबार को थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आज की डील को, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो खरीदार है वो बड़े हैं और जो बेचने वाले हैं छोटे इन्वेस्टर है, वो ही सिर्फ माल बेच रहे। जो फर्स्ट ब्लॉक डील हुई है सुबह सुबह बाजार खुलते ही 9:33 पर 14.35 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई, जिसमें माल खरीदा गया। फिर 9:35 पर 14.35 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और ब्लॉक डील हुई, जिसमें माल फिर खरीदा गया, और उसके बाद में 9:41 पर 14.35 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, और इसमें भी खरीदारी हुई है। फिर 9:45 पर 14.30 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है। उसके बाद में फिर 9:56 पर 14.30 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:05 पर 14.35 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, और फिर 1:21 पर 14.20 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है, और फिर 1:39 पर 10 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 3:11 पर 14.20 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी हो रही है बड़े बड़े फंड हाउस की तरफ से, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर पैनिक होकर माल बेच रहे हैं, और सारी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, और इसी वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा। वॉल्यूम के मामले में आज 3 नंबर पे था स्टॉक।
फ्रेंड जो पॉजिटिव निकल गया है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेबी ने राणा कपूर के बैंक अकाउंट, शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग को अटैच करने का आदेश दिया है। यह आदेश राणा कपूर पर लगाए गए 1 करोड़ के फाइन को न चुकाने की वजह से लगाया गया है। सेबी ने सितंबर 2020 में राणा कपूर पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था। यस बैंक की सब्सिडियरी मॉर्गन क्रेडिट, जो कि एक अनलिस्टेड इकाई थी, उसके लेन देन का विवरण न बताने की वजह से उसको ये फाइन लगाया गया, क्योंकि इस वजह से यस बैंक के हितधारकों के हित का हनन हुआ है, क्योंकि यस बैंक लिस्टेड बैंक है और इसलिए लेन-देन की सारी जानकारी शेयर होल्डर के साथ साझा करना जरूरी है, साथ में एक्सचेंज को भी इसकी जानकारी देनी ही चाहिए। और इसलिए सेबी ने फरवरी में 2020 में उसे एक डिमांड नोटिस जारी किया था। सेबी ने आदेश में कहा है कि बकाया 1.04 करोड़ है, जिसमें जुर्माना है और साथ में 4.56 लाख करोड़ का ब्याज भी शामिल है। साथ में सेबी ने राणा कपूर के खातों से निकासी पर भी रोक लगा दी है। साथ में म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटर को भी निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी वो बिकवाली न कर पाए, उनकी होल्डिंग को बेच न पाए। और साथ में बैंकों को निर्देश दिया कि वो राणा कपूर के सारे अकाउंट को अटैच करें, उनके लॉकर को भी अटैच करें और जितने भी सारे अकाउंट है वो सारे सीज किए जाए। इसका मतलब फिलहाल सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी अब वो जब्त होगी राणा कपूर की, और वो फिलहाल राणा कपूर तलोजा जेल में बंद है। तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है यस बैंक के लिए, क्योंकि ईडी के मुताबिक राणा कपूर ने अपने कार्यकाल में 30,000 करोड़ के लोन बांटे और उनमें से करीब 20,000 करोड़ का बैड लोन बन गया है, एनपीए बन गया है, क्योंकि सारे के सारे फर्जी लोन उन्होंने बांटे थे और इस लोन को बांट के उन्होंने करीब 4,300 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था एक गलत तरीके से। तो इस हिसाब से अब जो सारी प्रॉपर्टी वो जब्त की जाएगी और उस प्रॉपर्टी से जो भी रकम मिलेगी अब वो यस बैंक को मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रकम सारी यस बैंक की है। यस बैंक के अंदर एक घोटाला करके उन्होंने पैसे बनाए थे, तो जो भी अब उनके अकाउंट जब्त किए जाएंगे, उनके लॉकर को जब्त किया जाएगा, वहां से जो भी ज्वेलरी निकलेगी, उनके जो भी होल्डिंग होगी, शेयर होल्डिंग होगी, उनके पास डिबेंचर बॉन्ड होंगे, वो सारे जब्त किए जाएंगे और वो सारा जो भी पैसा रिकवर होगा वो पैसे यस बैंक को मिलेंगे। तो बहुत जल्द यस बैंक के एनपीए में काफी कटौती होने की संभावना बन रही है और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है। साथ में फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज दी है। उनका कहना है कि 2020 में ग्रोथ हमारी 10.5% से कम नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया उन्होंने पॉजिटिव न्यूज दी है। और फिर उन्होंने कहा है कि पहले जैसा लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी हमारी हालत निपटने के लिए हमारे पास अतिरिक्त बहुत सारे उपाय हैं और अब वो वैसी संभावना नहीं है कि फिर से लॉकडाउन लगे। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन बहुत जोरों से चल रहा है और अब तो 45 से ऊपर वालों की एज के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है 1 अप्रैल से। तो आने वाले समय में कोरोना पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और इसका फायदा सीधा बाजार को मिलेगा और बाजार एक तरफ तेजी में आ जाएगा। फिलहाल जो FIA का निवेश रुका हुआ है वो भी एक बार कोरोना कंट्रोल में आते ही फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वो बुलिश है हमारे हिंदुस्तान के मार्केट को लेके, इसलिए तेजी बनेगी। और जो न्यूज़ दी गई है आरबीआई गवर्नर की तरफ से, हमारी जो ग्रोथ है वो 10.5% से कम नहीं होगी, इससे एक बाजार को अच्छा बूस्ट मिलेगा और माहौल तेजी का जरूर बनेगा। और साथ में यस बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जो राणा कपूर की सारी प्रॉपर्टी अब जब्त की जाएगी तो उसमें से यस बैंक की एनपीए की काफ़ी रिकवरी की संभावना बनेगी। और जिस तरह से ये बिकवाली जो हो रही है वो छोटे रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे कर रहे हैं, पैनिक होके कर रहे हैं, जबकि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी माल वो उठा रहे हैं। आज की जो ब्लॉक डील है उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि जो भी माल बेचा जा रहा है वो छोटे निवेशकों के द्वारा बेचा जा रहा है और खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, वो इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बोला था 14 की प्राइस की बहुत ज़्यादा फेयर प्राइस है और इस लेवल पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है। तो जो भी अभी फंड हाउस जो खरीदारी 14 के आसपास कर रहे हैं वो 18 के पहले अपना माल ही बेचेंगे, तो एक तरफा इसमें तेजी बनेगी। इसलिए आपको इस समय वेट करना चाहिए, बिल्कुल अपने माल न बेचें, अपनी होल्डिंग को संभाल के रखें, आने वाले समय में बहुत ही अच्छी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। मैंने कई बार बोला है ये मल्टीबैगर स्टॉक है, डेफिनेटली ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा विश्वास रखना होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।